तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम आमिर है और आप देख रहे हैं आमिर ब्लॉग यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी मज़ार की जियारत कराने वाले हैं जो सुल्तानपुर में मौजूद है और इसका नाम है पाँचों पीरन। दोस्तों तो अभी इसके पास हम आ चुके हैं, इस साइड देख सकते हैं ये है। तो अभी यहाँ चलते हैं और आपको दिखाते हैं पूरा सीन क्या है क्या नहीं, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे और आज हम इसको करने वाले हैं एक्सप्लोर वीडियो में। तो चलो चलते हैं, फिर दिखाते हैं इसका सीन क्या है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो आपको दुकान आगे दिख रही है, यहाँ से आपको ज़रूरत की सामान जो है मिल जाएंगी जो आप जियारत के लिए आपको चाहिए। और दोस्तों यहाँ से आप मज़ार शरीफ की जियारत कर सकते हैं और देखने में काफ़ी खूबसूरत है दोस्तों। और इस साइड आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी फील्ड है, यहाँ पर सावनी मेला भी लगता है दोस्तों। और उस मेले के बारे में बात करेंगे दोस्तों, कब लगता है कब नहीं दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो है मज़ार शरीफ बीचों बीच कब्रिस्तान में बना है दोस्तों, और यहाँ का नज़ारा जो कि काफ़ी बेहतरीन है दोस्तों। आप इस साइड दिखाएँ तो इसका गेट है दोस्तों, यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं। इसके कई सारे गेट हैं दोस्तों, ये जो है आपको हमेशा खुला मिल जाएगा दोस्तों। और इस साइड आपको दिखाएं दोस्तों, यही पुराना कुआं है जिसके बारे में बात कर रहा था दोस्तों। इस कुएं के जो पानी है दोस्तों काफ़ी मीठा है दोस्तों, इस कुएं का पानी काफ़ी मीठा है। आप इस कुएं को देखकर अंदाज़ा लगा ही सकते हैं ये कितना साल पुराना कुआं है दोस्तों। और इसे मेंटेनेंस अच्छा रखा गया है, इसीलिए ज़्यादा साल पुराना नहीं दिख रहा है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ से आपको दिखाएं, इस फील्ड का नज़ारा तो काफ़ी अच्छा है दोस्तों। और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी जियारत करते हैं दोस्तों, और अपनी नेकजाई तमन्नाओं को तो अपनी मुरादें जो हैं दोस्तों वो मांगते हैं और पूरी भी होती है। और यहाँ पर देख सकते हैं उसी मोहम्मद गौरी के ज़माने के जो है एक अक्स और टुकड़ा जो है खंडार टाइप में बचा है दोस्तों। इसको देख कर आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि इतिहास से जुड़ा है दोस्तों ये। और आप देख सकते हैं इस साइड जो ये दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर रहने के लिए जो आते हैं उनके लिए बनाया गया है। और इस साइड देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है मज़ार शरीफ है। अब मज़ार शरीफ के अंदर हम आ चुके हैं और यहाँ से आप नज़ारा देख सकते हैं मज़ार शरीफ की, कितनी अच्छी सफाई है दोस्तों यहाँ पर, माशाल्लाह काफ़ी अच्छी सफाई है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर आने के बाद जो है आपका जो है जाने का मन ही नहीं करेगा दोस्तों, मैं आपको बता दूँ। और इस साइड जो है जाने का रास्ता है दोस्तों मज़ार शरीफ के अंदर, और इस साइड निकलने का रास्ता है, बाहर निकलने का रास्ता है जियारत करने के बाद। ये दरवाज़ा आपको निकलने का है दोस्तों, और ये दरवाज़ा देख सकते हैं कितना छोटा दरवाज़ा है दोस्तों। इस दरवाजे जो छोटा, इतना छोटा दरवाज़ा आप जो है कहीं पर दरगाह भी जाते हैं, बड़े बड़े दरवाजे आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। यहाँ पर जो छोटा दरवाज़ा है इसके बारे में बताऊँ दोस्तों कि इसके पीछे लॉजिक का है क्या है दोस्तों। इसके पीछे लॉजिक ये है दोस्तों कि जो अंदर आता है, जो अंदर तरफ जाता है मज़ार शरीफ के, वो झुक कर जाए और झुक कर आए दोस्तों, ये जो है अदब से जाए, अदब से आए दोस्तों। और यहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए बनाया गया है दोस्तों, आप नज़ारा देख ही सकते हैं नमाज़ पढ़ी जा रही है। और इस साइड देख सकते हैं मज़ार है छोटी सी। और दोस्तों अभी बाहर का नज़ारा हम आपको दिखाएंगे, और यहाँ पर जो किताबें वगैरह रखी जाती हैं वहाँ पर भी ले चलेंगे आपको, वहाँ पर का भी नज़ारा दिखाएंगे दोस्तों। कितनी सारी किताबें हैं, कितनी सारी नहीं दोस्तों, जो पढ़ने लिखने लायक होती हैं किताबें दोस्तों, उर्दू अरबी में दोस्तों, उसके भी बारे में मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं, देख सकते हैं वहीं पर जहाँ जिसकी मैं बात कर रहा था दोस्तों, यहाँ पर रखा गया है मैट वगैरह। और देख सकते हैं इस साइड जो है किताबें रखी गई हैं, यहाँ पर पारे किताबें रखी गई हैं, किताबें रखी गई हैं, कुरान शरीफ रखी गई हैं, हदीस रखी गई हैं, कई सारी किताबें रखी गई हैं जो मुस्लिम में किताबें होती हैं उसी हिसाब से जो है यहाँ पर रखी गई हैं दोस्तों। और दोस्तों इस मज़ार के बारे में बात करूँ दोस्तों, ये कब बनी थी, ये जो है दोस्तों 602 हिजरी में बनी थी, मोहम्मद गौरी ने इसे बनवाया था दोस्तों। आप इस मज़ार को देखकर अंदाज़ा लगा ही सकते हैं दोस्तों, ये मज़ार जो है दोस्तों छोटे छोटे ईंटों से बनी है दोस्तों, और देखने में काफ़ी खूबसूरत है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर जो मेला लगता है उसके बारे में बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पर जो मेला लगता है वो जो है नाग पंचमी के बाद जो बृहस्पतिवार पड़ता है और जो जुमेरात पड़ती है दोस्तों, उसी के दिन जो है मेला लगाया जाता है दोस्तों। उसी के दिन सावनी मेला बनाया जाता है और लगाया जाता है दोस्तों, जो कि लाखों की तादाद में भीड़ होती है और काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर पैर रखने की जगह आपको नहीं मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो पाँचों पीरन शरीफ नाम इसको दिया गया है उसके पीछे लॉजिक क्या है। लॉजिक दोस्तों ये है कि जो यहाँ पर जो शहीद हुए थे उनके जो है पांच भाई थे दोस्तों, इसीलिए जो है इसको पाँचों पीरन शरीफ के नाम से, इसका नाम जो है पाँचों पीरन शरीफ दिया गया है दोस्तों। जो है पाँच भाई थे इसीलिए इनका नाम पाँचों पीरन शरीफ है, इसके पीछे का लॉजिक ये है दोस्तों।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना दोस्तों। और कमेंट करके बताना दोस्तों वीडियो कैसी लगी दोस्तों। और फिर मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।